चंद माह पहले पाकिस्तानी मईशत के हवाले से डिफॉल्ट के खतरात का इजहार किया जा रहा था और फिर IMF प्रोग्राम में जाने और शराइत पर अमल करने के बाद मुसलसल मुआशी इस्तेहकाम के अदद शुमार सामने आ रहे हैं। 11 जनवरी को IMF बोर्ड से मंजूरी के बाद आज पाकिस्तान को IMF से 70 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल हो गई है। इस स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को 1.9 अरब डॉलर मौसूल हो चुके हैं। आखिरी रिव्यू के बाद पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की मजीद एक और किस्त मिल जाएगी और फिर मुआशी तजियाकारों की राय है कि इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम के लिए वक्त पर इलेक्शन होना ज़रूरी है और फिर इलेक्शन के बाद अगली हुकूमत को मैंडेट के साथ फौरन IMF से एक और प्रोग्राम के लिए मुआहदा करना होगा, मुआशी रिफॉर्म्स लाने होंगे, नुकसान करने वाले इदारों को प्राइवेटाइज करना होगा। इस हवाले से कल हमारे प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने यह वाजे किया कि अगर नून लीग की हुकूमत आई और IMF प्रोग्राम में जाने का फैसला हुआ तो वक्त ज़ाया किए बगैर 2013 की तरह फौरन IMF प्रोग्राम में जाएंगे, क्योंकि दूसरी सूरत में दीगर बैन अलावामी इदारे और दोस्त ममालिक भी पैसे नहीं देंगे। और इस हवाले से एक और डेवलपमेंट हुई है। स्टेट बैंक के मुताबिक मुत्तहद अरब अमारात ने भी 2 अरब डॉलर का कर्जा रोल ओवर कर दिया है और यह कर्जा मजीद 1 साल के लिए रोल ओवर किया गया है। इसके अलावा दिसंबर के महीने में पाकिस्तान ने 40 करोड़ डॉलर का करंट अकाउंट सरप्लस दिया है और इस माली साल के इब्तदाई 6 माह में जुलाई से दिसंबर तक सिर्फ 83 करोड़ डॉलर का करंट अकाउंट खसारा रहा है, जो टारगेट से बहुत कम है। दिसंबर में करंट अकाउंट सरप्लस की एक वजह जहां दरामदाद में कमी है, वहीं बरामदाद और तरसीलात दर में इजाफा भी हुआ है। दिसंबर में बरामदाद गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 21% इजाफे के साथ 2.8 अरब डॉलर रही हैं, जबकि दरामदाद 4% कमी के साथ 4.1 अरब डॉलर रही हैं। और इस तरह तजारती खसारे में इस माली साल के 6 माह में 35% कमी आई है, जबकि दिसंबर के महीने में पाकिस्तान ने किसी भी 1 माह में तारीख की सबसे ज़्यादा IT सेक्टर की बरामदाद की है। दिसंबर में पाकिस्तान ने 30 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की बरामदाद की है, जो कि गुज़िश्ता बरस से 23% ज़्यादा है। टॉपलाइन सिक्योरिटीज़ के मुताबिक IT सेक्टर की बरामदाद में इजाफे की वजूहत में एक्सपोर्टर्स के स्पेशलाइज फॉरन करेंसी अकाउंट में स्टेट बैंक की तरफ से रिलैक्सेशन देना है और रिटेंशन लिमिट को 35% से बढ़ाकर 50% करना है, जबकि रुपये की कदर में इस्तेहकाम की वजह से भी IT कंपनीज अपनी बैरूनी आमदनी को पाकिस्तान लाई और पाकिस्तानी बैंक के लोकल अकाउंट्स में उन्हें डिपॉजिट किया। इस माली साल के पहले 6 माह में IT सेक्टर की बरामदाद 1.5 अरब डॉलर रही हैं, जो कि गुज़िश्ता बरस के 1.3 अरब डॉलर से ज्यादा हैं, जबकि दिसंबर में तरसीलाते जर 2.38 अरब डॉलर रही हैं, जो गुज़िश्ता बरस से 13% ज्यादा है। मगर अभी सवाल यह है कि मईशत में गैर यकीनी का खात्मा तो हो गया है, मगर मुआशी तरक्की इन हालात में बगैर मुआशी रिफॉर्म्स की मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ मार्केट में मुसलसल तवक्को की जा रही है कि दिसंबर में महंगाई 29.7% रही, मगर आने वाले महीनों में बेस इफेक्ट किक इन करेगा, जिससे महंगाई की शरह नीचे आएगी और इसके नतीजे में शराय सूद भी नीचे आएगी। और इसी तवक्को में मार्केट में शराय सूद नीचे आ रही है और 6 माह का काइबोर यानी कराची इंटरबैंक ऑफर रेट जो 25% की सतह पर पहुंच चुका था, अब वो 21% की सतह से भी नीचे आ गया है, जिससे तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में स्टेट बैंक डिस्काउंट रेट में भी बड़ी कमी करेगा, जो कि इस वक्त 22% पर है।